यो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने कम से कम 1.5 से 2 घंटा गेम खेल लिया और ये नई गन भी ले ली है और ये भी ले लिया है। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने रिकॉर्ड का बटन ही दबाना भूल गया था यार, शिट। और मैंने एक बॉस को भी मार दिया था और बट मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसके लिए मुझे ना फिर से बॉस को आई थिंक रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। मैंने इन लोगों को मारा था और क्या भर क्या है उसके अंदर, आई थिंक वो फायर डैमेज करती है। तो मैंने इन लोगों को मारा और आई गॉट दी आइटम फ्रॉम हियर, एक आइटम मिला और यहाँ से भी एक आइटम मिला। फिर यहाँ पे एक एनिमी है जो ये काफ़ी टफ है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ हाइपर आर्मर, तो बेसिकली हम उसको ट्राई भी कर सकते हैं मारने का। और एक बॉस को मारा था मैंने, सारी चीज मेरे से ना छूट गई। ये मेरी तलवार के कारण इसको सभी को मार पाए हम लोग आराम से। तो ये क्रायो मेटल देता है, तो दैट इज लाइक कि मैं सारी चीज रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाय बॉम्बर्डिंग द क्रिस्टल विद एटम्स एट हाई स्पीड द सिग्नल कॉजेस अ डायमेंशनल रिवर्बरेशन इकोइंग इन सेवरल डिफरेंट डायमेंशंस, नाउ वी हैव टू वेट फॉर एन आंसर। तो दिस लाइक कि सारी चीजें ना मिस हो गई और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, आई थिंक 2-3 बार ऐसा हो चुका है। Dolmen activation work, the interdimensional rift was open but not for long, we need more crystals. Guys, it was really sad कि मैं इतना खेला भी और पूरा सब अपग्रेड भी किया और मैं शो नहीं कर पाऊंगा आपको। बट ये नया नया जो बोलते हैं ना फायर रिएक्टर और एसिड रिएक्टर प्लस आइस रिएक्टर, ये सब चीज़ हम लोग को मिली है। तो अब हम लोग जाएंगे, इनसे बात किया था मैंने, ये लोग ने कुछ चीज़ दी थी और हम लोग गए थे ऊपर और यहाँ से अपग्रेड करने के लिए ऊपर जा सकते हैं। और बॉस को यहाँ मारा था मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक बॉस था जैसे डार्क सोल 2 में आपने देखा था ना जो रिस्पॉन बॉसेस, इसको रिस्पॉन कर सकता हूँ और उसको मैं वापस मार सकता हूँ आप लोगों के लिए। बट इसको क्या, इधर ही था, मैं इधर गया था, आई वेंट हियर एंड किल दैट बॉस, क्योंकि इधर था 0 नाइनेट्स है अभी, 1999 मेरे पास नाइनेट्स है और डोलमन फ्रैगमेंट्स 0 है, 3 डोलमन फ्रैगमेंट्स है, सॉरी नॉट नाइनेट्स, यहीं पे मारा था मैंने। जो ये डार्क सोल 2 में जो स्पाइडर बॉस था ना बड़ा सा, वैसे ही था। एंड इट वॉज लाइक कि अभी आप बहुत ही पेशेंस का गेम था और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था। बट आई विल शो, जब मेरे पास डोलमन फ्रेगमेंट्स आएंगे ना दैन आई विल जरूर मैं उसको रिस्पॉन्ड करके वापस मारूंगा। जो 3 इसका रिक्वायरमेंट है वो, तो मैं जरूर डेफिनेटली आई विल किल हिम। तो इसके बाद से हम लोग आगे जाना है हम लोग को। रियली सैड यार, मैं हमेशा ना रिकॉर्ड करना चाहता था कि क्या हुआ कि बटन दबा ही नहीं यार। कम ऑन, डोंट यू सी माय वेपन, दिस इज नॉट दैट हार्ड गेम। द फर्स्ट सैम्पल्स ऑफ डोलमन क्रिस्टल्स वर
found in high pressure zone 3 km below the surface. With dolmen crystals, basically यही जो आइटम है आपको चाहिए बॉसेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए. आई थिंक ये कह सकते हो कि ना डार्क सोल 2 से इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया हुआ है. ये क्या है? रिएक्टर. एनर्जी मोड यूज एनर्जी इंस्टेड ऑफ स्टेमिना एंड अप्लाइज इफेक्ट्स. नहीं भाई, एनर्जी तो मेन है इसके अंदर. हम लोग हील करते हैं और हील. अरे हम लोग वापस से नीचे ही आ गए. या वी केम नीचे ही आ गए जो स्टार्टिंग एरिया थी. हाइपर आर्मर वाला था और इसको आराम से हम लोग अपने फायर शॉट से मारते हैं. ये कौन सा एनिमी आ गया? स्टेमिना तो रही नहीं रहे भाई. I think हम लोग अपोजिट साइड आ गए. या हम लोग अपोजिट साइड आ गए. नहीं, I think it's a different place यार, different place. क्या बोलो? हाँ different. नहीं, इसके ऊपर थे शायद हम लोग यहाँ नहीं आए थे. I think हम लोग यहाँ नहीं आए थे क्योंकि ये सारे जो है ना स्टार्टिंग पार्ट से थे. हाँ स्टार्टिंग पार्ट में ही था ये सब. हम लोग नीचे नहीं आए थे, हम लोग ऊपर से ऊपर चले गए थे. यस यस, ये स्टार्टिंग पार्ट ही है. नहीं यहाँ डिफरेंट था, ऊपर था. हम लोग नीचे आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कुछ तो चेंजेस हुआ है. हाँ ये शॉर्टकट है जहाँ से हम लोग आए. ये क्या है? ये भी पढ़ा हम लोग. ये बंद. ये डिफरेंट एरिया है बट लग एकदम सेम रही है. कुछ तो चेंजेस हुआ है. ये आवाज़ क्यों आ रही है इतनी, जैसे बहुत बड़ा मॉन्स्टर है इधर. Now entering main path. ये starting area ही है यार. Come on, how can you fix that damage यार? Bro, this weapon is really amazing. मैं अजीब थोड़ा अजीब अलग है. इस poison हो जाते तो defense और speed कम हो जाती है. हेल्थ नहीं जाती वो अच्छी बात है. Come on, I'm killing you, यार. मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ. ऊपर से जाना पड़ेगा लगता है हमें, और थर्ड फ्लोर पे जाके वहाँ से एक्टिवेट करना पड़ेगा लाइक स्टार्टिंग एरिया में किया था हमने. ये स्टार्टिंग एरिया ही है, यहाँ तक स्टार्टिंग एरिया है बट वो पूरा जो लिफ्ट जो वो है ना वो चेंज हो गया है. इसमें कुछ टाइमलाइन की बातें हैं तो शायद टाइमलाइन से रिलेटेड है कुछ. Thank you.
कम ऑन तो कुछ टाइमलाइन से रिलेटेड कुछ तो है, क्योंकि ये एरिया तो स्टार्टिंग एरिया पूरी एकदम सेम है, बट जो वो पार्ट थी कौन सी जो क्रेटर की जगह थी वहां पर तो पूरा चेंज हो गया, लेआउट चेंज हो गया, बट क्या हुआ कुछ पता ही नहीं लगा। कम ऑन लेट मी रन, सेम है पूरा सेम है। जब यहां आए थे हम लोग ये पूरा चीज किया था, पर जो क्रिएटर का पार्ट है ना पूरा डिफरेंट है, समथिंग कुछ तो चेंज हुआ, नॉट टेलीपोर्ट, नॉट टेलीपोर्ट, ये खुल गया है। ओ क्रायोजेनिक पार्ट एपिक, ये पार्ट पहले ब्लॉक्ड था। ये खुल गया है भाई। तो गाइस जो बॉस था ना उसका नाम क्या था यार, याद नहीं आ रहा है, केमेंटुला नाम था मेरे भाई ने बताया। तो वी विल किल दैट बॉस, इट हैड अ आइस फायर का डिपेंडिंग ऑन द एनिमी। ऑन माय ट्रैक ब्रो, मेरे पास भी तलवार है आ गया। ऐसे वो बॉस को मारने के बाद ही इतने बड़े बड़े जितने भी जो वेपन्स है वो बना पाया मैं। बेसिकली कुछ भी ना आइटम नहीं था, बॉस ड्रॉप्ड अराउंड 8000। व्हाट ये ऊपर जाने का तरीका क्या लगता? वो कहां से मार रहा है? ये जस्ट डोलमन फ्रैगमेंट्स, एक डोलमन फ्रैगमेंट मिलेगा, नहीं एक मिला पहले और एक पहले मिला था, दो हो गया है। अभी एक और हो जाएगा तो हम लोग बॉस को मारेंगे, और कम से कम ये तो हो जाएगा ना कि जो बॉस का था। Come on.
टू स्पीड माइनस 20%। माइनस 20% स्पीड। इंटरैक्ट ये सब आप लोग पढ़ लेना भाई, मैं इतना नहीं पढ़ूंगा अभी, इसके में बहुत पढ़ने के लिए। अब ऐसा है नहीं कि स्टोरी इतनी अच्छी जबरदस्त हो, तो पढ़ते रहो। ओ हमारे पास एनर्जी 5 हो गई, उसके बाद ध्यान भी नहीं दिया मैंने। स्पीड कम हो जाएगी ना, दैट इज रियली बैड यार। बेसिकली यू वोंट बी एबल टू मूव, अभी कोई भी आपको ना इफेक्ट लग रहा है, जैसे कि कुछ भी अटैक लग रहा है, आप मूव नहीं कर पा रहे। आई होप ऊपर से कोई और नहीं आएगा, ये दो है और भी एक है। एक दो तीन चार, ये पूरा ट्रैप है, तो इसको मारते हैं। यार एनर्जी खत्म, उस साइड जाना है मेरे कुछ बहुत सारे। अरे यार एक डोलमैन क्रिस्टल्स है मेरे पास, वहां पे मैं जाऊंगा तो दो और है, बट वहां पे ये लोग भी अटैक करते हैं ना,
कि मुंह किधर किया, उधर किया क्या? मैं बोला था ना ट्रैप है। आ जाओ फायर बजाओ। वो तो मर गए। वो आ जा बेटा। एनर्जी खत्म हो गई भाई। स्लो भी हो गया हूं मैं। नहीं तू इधर आ जा। वी आर गोना डाई। यदि फायर में नहीं मारा हम लोग मर जाएंगे, एक झटके में मर जाएंगे। Bro, please die. यार एनर्जी आ जाती, मजा आएगा। हम लोग इट यूजेस एनर्जी, इट डजंट ब्रिंग यू एनर्जी। ब्रो मैं भाग के जाऊंगे यार, एक फटका लगा तो मैं मरने वाला हूं। आई एम गोना डाई यार, और मेरे बहुत सारे जो क्रिस्टल्स है एनाइट्स वो सब बर्बाद हो जाएंगे। है कोई क्या? दो चार, वो दो है उधर, वही दो कूदे थे हम लोग के। नाइट्स है किधर? ओ उधर है नाइट्स यार। तो यहां से उड़ी मार के उसको ले जा सकते हैं। अटकेंगे तो नहीं ना? वापस जाने की बात है क्या? हम लोग वापस जा सकते हैं? नो वी कैन नॉट। गाइस अब हम लोग ना, मैं जो लास्ट में बेसिकली एंड करने से पहले हम लोग बॉस को जिंदा करेंगे और उसको मार के देन आई विल एंड दिस हियर। और हम लोग इसको बाद में टैकल करेंगे। अरे तो एक आध एनिमी मिल रहा था, अब लगातार एनिमी मिलते चले जा रहे हैं। पे जाना है। पहले अपग्रेड करेंगे शिप में जाके, फिर बाद में लोग। तो बॉस आप देखोगे ना एकदम से इंटरेस्टिंग, क्या थे डार्क सोल 2 के जो बॉस थी, तो नाम याद नहीं, अरेक्निडा समथिंग थी, जो छोटे छोटे स्पाइडर भेजती थी और लेजर से अटैक करती थी, सेम बॉस उन्होंने कॉपी किया। ये सारी जाएगी पॉइंट्स, एक दो तीन चार पाव चार पॉइंट, चार पॉइंट।
अब चाहिए 2257, राइट। तो नाउ वी कैन हैव ये किसी एजेंट का खोपड़ी लगता है। लोग यहां पे टेलीपोर्ट कर, यहां से हम लोग बॉस को मारे, जिंदा करेंगे उसको मारेंगे। दैट वाज द ओनली बॉस मिस आई मी। एक मिनट, इसको बॉस को जिंदा करना पड़ेगा। रिस्पॉन बॉस। नाउ वी हैव अ थ्री डोलमन फ्रेगमेंट्स, एक्टिवेट करेंगे। यही बॉस था भाई। इसको ध्यान नहीं देंगे तो अपने पर कूद जाती है। अब याद आ रहा है कुछ डार्क सोल्स 2 के बॉस का, सेम बॉस। किसको बुलाइए, माय गॉड। दैट इज द बॉस destroys and we got the tementular claws, so that is like ki aap usko na fir se respawn kar sakte ho with the dolmen fragments ke sath। I got 2000 nanites and the bounty also, so that was the boss missing guys। So basically last time maine nahi le paya tha, record hi nahi kiya maine, for what reason I don't know। आई थिंक मैंने बटन ही नहीं दबाया था, और रिकॉर्ड तभी नहीं हुआ ना, बटन नहीं दबाया हुआ। एक अपग्रेड करते हैं फिर देखते हैं कि इस बार कॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं, फिर बहुत सारे जो अच्छे अच्छे उन्होंने अपग्रेड किए थे लास्ट टाइम बहुत टाइम वेस्ट करके, उसको हम लोग इक्विप करेंगे। कि मेरा क्या बता रहा, हाँ हमको एक गन भी मिली है तो बना सकते हैं। क्या है, निकी डर्मा शॉर्ट गन है। ओह माय आई लव शॉर्ट गन यार, शॉर्ट गन हो और मैं लू ना, कोई भी गेम खेलता हूँ शॉर्ट गन, मतलब 16 13 4।
प्लस 9 प्लस 18 16 13 वो आई थिंक किधर गया, ये एक डालेंगे प्लस 18 फिर एक इधर के लिए प्लस 18 इधर के लिए प्लस 5 प्लस 16 पर अटैक स्पीड इससे बढ़ती है प्लस 8 अटैक स्पीड बढ़ती है इसमें स्टैक स्पीड भी बढ़ रही है नहीं इसमें इससे अटैक स्पीड बढ़ रही हो नहीं तो प्योर यदि बिल्ड इससे बढ़ रहा है ये वाला लेते प्योर अटैक लिया हुआ है जी लेने कॉस्ट कम होती है मतलब कि व्हाट इज कॉस्ट मिस ओ आई थिंक एनर्जी के लिए ये 8% अटैक स्किल बढ़ती है बट हमारे पास ये बहुत सारा है तो हम लोग ये लेते हैं कंफर्म कैन हैव इट ये इसकी अटैक है 59 इसकी अटैक है 199 ब्रो बहुत पावरफुल है एक मिनट जाकर देखे तो जरा एक मिनट ये नहीं ये नहीं ये नहीं बम मतलब जो हैवी अटैक है वो एनर्जी पूरे बहुत ज्यादा यूज करती है तो वो है ना हैवी अटैक वो नहीं यूज करता है तो इस तरह टेस्ट करके देखते हैं जो कितना लगता है तीन लग रहा है 215 एनर्जी लग तो रही है बट तो गाइज आई विल बी एंडिंग हियर और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि मैं नेक्स्ट जो पार्ट है जो हम लोग जहां गए थे केव में वहाँ का पार्ट स्टार्टिंग कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल सब्सक्राइब करिए वीडियोस को लाइक करिए शेयर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय।